जय श्री राम। आज हम बात करेंगे राहु चौथे भाव के अंदर अगर आपकी कुंडली के अंदर स्थित है तो आपको कैसा फल देने वाले हैं, यानी सभी स्थितियों में कि राहु वहाँ बैठा है, किसी के साथ बैठा है, किसकी राशि में बैठा है, उच्च नीच भी मानते हैं राहु को, दृष्टियाँ भी मानते हैं राहु की। कुछ शास्त्रकार बिल्कुल दृष्टियाँ भी नहीं मानते और उच्च नीच भी नहीं मानते, क्योंकि वो कहते हैं कि ये तो एक राक्षस प्लेनेट है, इसने तो धोखे से अमृत कलश का पान किया है, इसको ग्रहों में गिनती देनी नहीं चाहिए। इसलिए शास्त्रकार इसको ग्रह ना कहकर छाया ग्रह कहते हैं, स्मोक कहते हैं, ग्रहण लगाने वाला ग्रह कहते हैं। कुछ कहते हैं नहीं जी, अमृत कलश का पान कर लिया है तो इसको ग्रहों में आप स्थान दे दो, इसलिए हम इसको उच्च का भी कह देते हैं, नीच का भी कह देते हैं, स्वराशि का भी कह देते हैं और दृष्टिया भी दे देते हैं। एग्जैक्टली कहानी यह है कि हमें राहु को कैसे देखना है और राहु को कैसे जानना है। अगर हम उसको ये जान लेते हैं तो हम ये उच्च नीच स्वराशि इन सब चीज़ों से दूर चले जाते हैं। अगर आपको रिजल्ट ही नहीं मालूम है तो आपको उस उच्च नीच बताते रहोगे लेकिन एग्जैक्टली रिजल्ट मिलता नहीं है, क्योंकि बहुत बार एस्ट्रोलॉजी में यही होता है, प्लेनेट आपका उच्च का है और आपके तो मजे आ रहे हैं और वो व्यक्ति परेशान है, यानी आप उस उच्च प्लेनेट को भी पढ़ नहीं पा रहे, आप सिर्फ उसके गुण देख रहे हो, बाहरी आवरण उच्च का प्लेनेट है, अंदरूनी रूप से आप जानते ही नहीं हैं और उस उच्च के प्लेनेट की दशा में व्यक्ति को प्रॉब्लम होती है। विषय है हमारा राहु को लेकर, राहु इन फोर्थ हाउस, चौथा घर, एक घर और उसके अंदर प्लेनेट बैठ गया। चौथा घर जिसको हम एक केंद्र स्थान कहते हैं, केंद्र स्थान की जो शुरुआत होती है वो एग्जैक्टली चौथे घर से ही है, कि 4, 7, 10 ये केंद्र स्थान ही है। चौथा चौथे से बली, सातवां सातवें से बली, दसवां केंद्र माना जाता है, यानी क्योंकि 1, 5, 9 और 1, 4, 7, 10 में लगन यानी एक नंबर तो कॉमन है, इसलिए मेन त्रिकोणों में 1, 5, 9 और मेन केंद्रों में 4, 7, 10 होते हैं। अब राहु जैसा एक प्लेनेट जिसको हम कहते हैं आज के समय में कि भी ये ग्रहण लगाने का काम करता है, ये स्मोक है, ये धुआं है, ये रूढ़िवादी है, ये सामाजिकता से हटके काम करता है, ये सबसे अलग चलने की कोशिश करता है, ये निर्भीक है, ये साहसी है, ये अड़ियल है, ये परेशान करने में आए तो बहुत परेशान करे, ये देने में आए तो बहुत कुछ दे सकता है, यानी गिवर एंड टेकर दोनों है। रूल ब्रेकर भी राहु है, सडन गेन सडन लॉस भी राहु है, आपको बहुत बड़ी समस्या में फंसाने में भी राहु है और आपको जीवन में बहुत कुछ देने में भी राहु है। लग्जरी बहुत उच्च स्तर की मिल रही है तो राहु मेहरबान है और जीवन में सिर्फ अपमान लिज्जत के अलावा कुछ मिल नहीं रहा है तो ये भी राहु है। निर्भीकता भी राहु है, उद्दंडता भी राहु है, बेशर्मी भी राहु है, इज्जत मान सम्मान भी राहु है, यानी इसका एक बहुत बड़ा कनेक्शन है हॉरोस्कोप के अंदर। अब एक ऐसा प्लेनेट जब इतने सारे गुण, शुभ और अशुभ दोनों गुण लेता है, शुभ क्योंकि अमृत कलश का पान किया, अशुभ क्योंकि राक्षस है, इसलिए वो कहता है मैं जैसी कैटेगरीज में हूँ मैं वैसा वर्क करूँगा। अगर मैं आपके हॉरोस्कोप के फोर्थ हाउस में शुभ हूँ तो मैं आपको शुभ फल दूंगा, और अगर मैं हॉरोस्कोप के फोर्थ हाउस में अशुभ हूँ तो मैं आपको अशुभ फल दूंगा। इसलिए सबसे पहले हम थोड़ा सा आपको मैं बता दूं कि एग्जैक्टली हम किसी भी हॉरोस्कोप के लिए कैसे हम ये जान सकते हैं कि ये शुभ है या अशुभ है, खास तौर पर राहु केतु के बारे में बात हो रही है। शास्त्र कहता है जब भी राहु आपकी कुंडली के चौथे भाव में बैठा है, पहले आप देखिए कि फोर्थ हाउस में है या नहीं, उसके बाद आप ये देखिए अगर ये शुक्र बुध और शनि की राशियों में बैठा है, जैसे वृषभ में, तुला में, कन्या में, मिथुन में, मकर में और कुंभ में, इनकी राशियों में बैठ गया है तो इसको प्रसन्नता है क्योंकि ये इसके लिए इसकी मित्रता का भाव है, और इसके विपरीत ये सूर्य की, चंद्र की, मंगल की और गुरु की राशियों में बैठता है तो ये इसके लिए कंफर्ट जोन नहीं है। यानी चौथा भाव तो ठीक है लेकिन उस भाव में पड़ने वाली राशि कौन सी है ये राहु के लिए सबसे पहले डिपेंड होती है, क्योंकि राहु के लिए अगर हम देखें जो हमें परिणाम एग्जैक्टली पता लग गए हैं हॉरोस्कोप से, और मैंने आपको शुरू में कहा था कि आप उच्च नीच स्वराशि की परिभाषा भूल जाओ, आप एग्जैक्टली ये देखो राहु बैठा कहाँ है पहली बात, दूसरा किसकी राशि में है, मित्र की में है या शत्रु की में है, तीसरी स्थिति आपको नोट करनी है कि भाई राहु की कंडीशन यानी राहु जिस ग्रह की राशि में है उस राशि का मालिक कौन है। अगर वो मालिक भी केंद्र या त्रिकोण में है, स्वराशि या उच्च का है तो राहु शुभ फल देगा। अगर वही मालिक 6, 8, 12 में है, वक्री है, अस्त है तो राहु की उसी दशा के अंदर आपको प्रॉब्लम्स भी होंगी, वो राहु आपको प्रॉब्लम देगा। बनिस्पत राहु चाहे मित्र की राशि में बैठा है, मान लीजिए शुक्र बुध या शनि की ही राशि में है, और वही शुक्र बुध या शनि पीड़ित है, 6, 8, 12 में है, अस्त है,
नीच का हो गया है, अशुभ हो गया है, तो राहु चाहकर भी अच्छे फल नहीं देगा, और इसके विपरीत वो शुभ है तो वो शुभ फल देगा। तो इतना तो देखिए आपको हॉरोस्कोप में आना ही चाहिए, जब आप राहु का ये वीडियो सुन रहे हैं तो इतना तो आना ही चाहिए। नहीं आता है समझ में, फिर आप ज्योतिषी से कॉन्टेक्ट कीजिए, वो आपके हॉरोस्कोप में आपको एग्जैक्टली बता देंगे भाई राहु आपके लिए शुभ है या अशुभ। क्योंकि एक छोटा प्लेनेट नहीं है, डेढ़ डेढ़ साल तक एक राशि में गोचर करता है, इसकी महादशा आ जाए तो 18 वर्ष की होती है, और 18 वर्ष हर व्यक्ति विशेष के जीवन के लिए बहुत बड़ी बात है कि किसी के जीवन में 18 वर्ष की दशा आ गई, किसी भी समय में आ गई, और वो राहु खराब है तो आप उसका तो पूरा जीवन ही बर्बाद हो जाता है। अब ये राहु हमारे फोर्थ हाउस में बैठता है, तो फोर्थ हाउस राहु को सबसे पहले हम लग्जरी से जोड़ते हैं, भोग और विलास। ये भोग विलास बहुत ज़्यादा से राक्षसों में देखी जाती थी, जैसे हम शास्त्र पढ़ते हैं तो भोग विलास राक्षसों में देखी जाती थी, वो सभी प्रकार के ऐसे काम करते थे जो इसको कहते हैं कि भी इसको देवता नहीं करते हैं, इसको राक्षस करते हैं। क्योंकि राहु एक राक्षस है, स्वरभानु नाम का एक राक्षस है, उसका एक टुकड़ा है जिसको विष यानी सर्प से जोड़ा गया है, तो वो राहु भोग विलासी प्लेनेट है। अगर वो फोर्थ हाउस में बलि है, स्ट्रांग है, तो वो आपको भोग विलास देगा, वो आपको लग्जरी देगा। लग्जरी यानी आपका घर बहुत सुंदर होगा, घर में बड़ी साज सज्जा आपके होगी, आपका घर बड़ा अच्छा डेकोरेट होगा, उसका इंटीरियर डेकोरेटर बहुत बहुत अच्छा होगा, डेकोरेशन एक्सटीरियर डेकोरेशन बहुत अच्छी उसकी होगी। तो यानी राहु भोग विलास का यानी इन चीज़ों को आकर्षित करता है, लग्जरी देता है आपको राहु। अगर राहु आपका फोर्थ हाउस में शुभ है, जैसा कि मैंने बताया मित्र की राशि में है और वो मित्र केंद्र त्रिकोणों में है, खास तौर पे लग्जरी की बात करते हैं तो हम शुक्र की ज़रूर बात करते हैं। अगर शुक्र आपका केंद्र त्रिकोण में बैठा है और राहु आपका फोर्थ हाउस में है, तो कहीं ना कहीं आपको लग्जरी ला के देगा ये प्लेनेट, क्योंकि ये भोग विलास का कारक है, इसको लग्जरी सुंदरता पसंद है, अच्छा वाहन होना, अच्छी साज सजाया होना, घर के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स का भी कारक राहु है। तो आपके पास क्या होंगे, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स बहुत अच्छे होंगे, लोगों के घर में घुसते हैं तो क्या हो रही, सेंट्रलाइज एसी है, घर में 4 कमरे हैं, चारों में बढ़िया एसी लगा हुआ है, बहुत चीज़ें ऑटोमेटिक हुए हैं, रसोई बहुत अच्छी बनी हुई है, ड्राइंग रूम बहुत अच्छा है, बेडरूम बहुत अच्छा है, मतलब मीन डेकोरेशन, ये सब चीज़ें फोर्थ हाउस के रखो, क्योंकि वो चाहता है इन सब चीज़ों को। और इसके विपरीत राहु अशुभ है, तो कितना ही व्यक्ति कोशिश कर ले उसका घर फैला हुआ सा रहता, हमेशा घर में साफ सफाई नहीं रहती है, घर में घुसते ही कुछ नेगेटिव वाइब्रेशन सी आनी शुरू हो जाती है, घर में हमेशा कलेश का वातावरण रहना शुरू हो जाता है, परिवार के अंदर सुख शांति आनंद नहीं होता, कहता कि कमाया तो बहुत, पैसा तो बहुत आ रहा है, लेकिन घर में पता नहीं सुख क्यों नहीं हो रहा है, बच्चे लड़ रहे हैं, हस्बैंड वाइफ लड़ रहे हैं, परिवार के अंदर कलह का वातावरण है, हर कोई ये चाह रहा है यहाँ से निकल जाओ, सेपरेट हो जाओ, एकजुटता नहीं है परिवार में। ये भी फोर्थ हाउस के उसी से आता कि वो कब आपको लग्जरी दे रहा है और वो कब आपके जीवन में आपको प्रॉब्लम्स दे रहा है, वो भी फोर्थ हाउस के रहा, क्योंकि चौथा घर सुख का है, सुख जनरल हैप्पीनेस, मेरी रोजमर्रा के जीवन में मैं कितना सुखी रहता हूँ। अगर आपका राहु फोर्थ हाउस में है, उस पर 6-8 12 के राहु का प्रभाव है, ठीक नहीं है वो भाव, राहु जिसकी राशि में है वो भी ठीक नहीं है, सूर्य राहु का चंद्र राहु का ग्रहण दोष बना हुआ है चौथे घर के अंदर, तो ऐसे घर के लोगों के घर में जनरल हैप्पीनेस नहीं होती, सुख शांति नहीं होती। आप विलयर कुंडली देखकर कह सकते हैं कि भाई आपके घर का वातावरण ठीक नहीं है, आपके घर में हमेशा किसी ना किसी प्रकार का कलह रहता है, आपके घर में एक तरीके से कहें तो वास्तु दोष है, या कह सकते हैं आपके घर में राहु दोष है। घर भी बड़ा छोटा सा, छोटे छोटे से दरवाजे, संकुचित स्थितियाँ, और घर के अंदर गंदगी होना, जाले लगे रहना, कूड़ा एक तरफ पड़ा हुआ है, वेस्टेज मटेरियल्स बहुत मिलता है उस घर के अंदर, जब ये फोर्थ हाउस में चीज़ें राहु पीड़ित होने में देखी जाती है, यानी वहाँ जनरल हैप्पीनेस नहीं होती। नेचुरल मून साइन है ये, क्योंकि काल पुरुष के अंदर जो चौथा घर है वो चंद्रमा का घर है, और ख़ास तौर पे अगर कहा गया कि फोर्थ हाउस है, राहु चंद्रमा की राशि में बैठा है, तो या तो मदर को हेल्थ इश्यूज बहुत होते हैं, या मदर के साथ एक तरीके से उसका मतभेद रहता है, उसके उसको माता का सुख नहीं मिलता है। अगर शास्त्र कहता है कि 4 नंबर की राशि कर्क राशि, और कर्क मीन कैंसर, इसको हम बोलते हैं, तो इसको हम कहीं ना कहीं कैंसर की बीमारी से भी जोड़ देते हैं, कि अगर 4 नंबर की राशि, चौथा भाव, राहु केतु अक्ष, अशुभ ग्रहों से पीड़ित है, शुभ प्रभाव ना हो, तो ये व्यक्ति को जल्दी से ही कैंसर का रोग दे सकता है। और कैंसर के सभी रोगों में सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ होता है, आपका सबसे पहले ब्लड दूषित होता है, इसलिए चंद्रमा को ब्लड के फ्लो का कारक कहा गया है, जब ये ऐसी पीड़ा में आता है तो आपको कैंसर का रोग भी दे सकता है।
अब घर के सुख की बात हो गई है, माता की बात हो गई, रोग की बात हो गई है, तो चौथा घर क्या है? चंद्रमा का घर है। चंद्रमा हमारी मानसिकता का कारक है। मेंटल डिजीज होना, मन का सुखी ना रहना, मन में दुख होना, मन में चिंताएं, एग्रेशन, स्वभाव में चिड़चिड़ाहटपन होना भी चौथे घर में राहु की वजह से। अगर राहु आपका वहाँ प्रॉब्लम में है तो आपको ये चीज़ें मिलती हैं, एंग्जाइटी मिलती है, चिंता मिलती है। आप हमेशा अपने परिवार के बारे में सोचते हैं, आपका हमेशा ये रहता है कि परिवार में सुख शांति नहीं है, मैं क्या करूँ, अब मैं घर जाऊँगा, रोज की तरह वही कलेश मुझे घर में मिलेगा, वही प्रॉब्लम्स मुझे मिलेंगी, ये सब चीज़ें फोर्थ हाउस से आती है। प्रॉपर्टी की बात करें तो भी चौथे घर से, लेकिन इसमें डिफरेंट है। सबसे पहले मैंने आपको कहा था राहु को देखो, राहु फोर्थ हाउस में मित्र की राशि में है, राशि का मालिक बलि है, तो चौथे घर में राहु स्ट्रांग है। अब देखने वाली बात यह है कि आपको प्रॉपर्टी में काम करना है या प्रॉपर्टी से लाभ लेना है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको प्रॉपर्टी से लाभ लेना है कि जी मेरे जीवन में कंस्ट्रक्शन लाइन ज़्यादा अच्छी रहेगी या भूमि से संबंधित काम ज़्यादा अच्छे रहेंगे, प्लेन लैंड। उसमें मंगल अगर आपके हॉरोस्कोप में स्ट्रांग है तो आप कंस्ट्रक्शन से संबंधित कार्यों में पैसा कमाएंगे, आपका भवन अच्छे होंगे, आप 4-5 मकानों के मालिक हो जाएंगे, प्रॉपर्टी के मालिक हो जाएंगे। अगर आपका मंगल वीक है, शनि आपका मजबूत है, तो आप भूमि से संबंधित कार्यों में पैसा कमाएंगे, खनिज से पैसा कमाएंगे, जमीन से निकली हुई चीज़ों से पैसा कमाएंगे, पेट्रोलियम से, फूलों से, सब्जियों से, खदान से, बीजों से, या जमीन के अंदर से जो चीज़ें माइनिंग आदि से पैसा कमाएंगे, प्लेन लैंड से पैसा कमाएंगे। या कभी कभी ऐसे लोगों के घर बहुत बड़े बड़े होते हैं, क्या हुआ जी 2-3 बीघे में घर है, घर तो 100 गज में ही बनाया है, लेकिन उसके बाहर चारों तरफ उसकी बाउंड्री वगैरह कर दी, उसमें खेत खलियान भी बना दिए, घूमने फिरने की जगह भी बना दी है, तो क्या है, मंगल इतना स्ट्रांग नहीं होगा, शनि बहुत बली हो जाएंगे, तो वो फोर्थ हाउस के इस प्रकार से रिजल्ट देंगे। ऐसे ही वर्क में है कि जी मुझे प्रॉपर्टी डीलिंग के काम में अगर मैं जाऊँ तो मैं कंस्ट्रक्शन में जाऊँ या प्लेन जमीन में जाऊँ, क्योंकि कुछ लोगों को कंस्ट्रक्शन फलित होता है, फ्लैट की, प्लॉट की, मकान की लेबर बेची करते हैं वो लोग। कुछ लोगों को प्लेन लैंड के 5 बीघे 10 बीघे बहुत बड़ी बड़ी ज़मीनों के सौदे करते हैं, तो उनको ये चीज़ें जहाँ तक दिखती हैं। राजनीति, क्योंकि चौथा भाव जनता का भाव है, जनता का भाव है, तो शास्त्र कहता है राहु अगर आपके चौथे घर में बलि है और उससे त्रिकोण या केंद्र भावों के अंदर शनि है, तो ऐसे लोगों को राजनीति में इंटरेस्ट भी होता है और ऐसे लोग राजनीति के क्षेत्र में सफल भी होते हैं। हालांकि इसका पूर्ण विवरण देखने के लिए हमें दशमांश कुंडली यानी D10 चार्ट भी देखना चाहिए, लेकिन पता लग जाता है कि फोर्थ हाउस में राहु बलि है, शनि भी केंद्र त्रिकोण में बैठा है, इस व्यक्ति का जरूर राजनीति से कोई ना कोई संबंध तो जरूर है, या तो ये राजनीति में है, या ये राजनीतिक लोगों के साथ बहुत इन्वॉल्व है, या सामाजिक रूप से इसके दायरे मजबूत हैं, क्योंकि चौथा घर अगर बलि है तो बिना शनि के राजनीति नहीं है, वो चीज़ है। उसके अलावा राजनीतिक क्षेत्र में चला गया है तो सूर्य को देखना ज़रूरी है, क्योंकि सूर्य जितना बलि है उतना ही आपको बड़े बड़े पद, मंत्री पद, MP, MLA या केंद्रीय मंत्री, ऐसे पद आपको यहाँ से मिलते हैं, वो बिना सूर्य के नहीं मिलते हैं। अब घर से दूर या विदेश जाकर काम करना भी कहीं ना कहीं फोर्थ हाउस के राहु में देखा जाता है, क्योंकि कुछ लोग दृष्टि के बारे में बात करते हैं कि राहु चौथे घर से बैठ के 12वें घर को देखता है, और राहु को हमेशा से ही प्रवास, दूरी, हवाई यात्रा है, क्योंकि ये वायु तत्व का ग्रह है ना, वायु का मतलब है बहना, फ्लो। आज के समय में वायु कहाँ है, हवाई जहाज की यात्रा, विदेश से जुड़कर काम करना, घर से दूर जाकर। अगर राहु आपके फोर्थ हाउस में बैठ गया है और पीड़ित है, बात को ध्यान दीजिए कि अगर राहु आपके फोर्थ हाउस में है, अशुभ ग्रहों की राशि में है, उसका राशिश भी प्रॉब्लम में है, तो ऐसा व्यक्ति राहु की दशा में घर को छोड़ते चला जाएगा। इसको कहते हैं विदेश जाने का योग। ऐसे लोगों को अपने घर का सुख नहीं मिलता, या तो वह इंडिया में रहते हुए इतने सारे मकान बदल देते हैं कि उनके समय समय पर ट्रांसफ़र होते हैं, चाहे उनके फादर के ट्रांसफ़र हो रहे हैं इसलिए वो जगह बदल रहे हैं, चाहे उनके खुद के ट्रांसफ़र हो रहे हैं इसलिए वो जगह बदल रहे हैं, यानी उनके जीवन में बहुत सारी ट्रैवलिंग्स, बहुत सारी यात्राएं और परिवर्तन राहु ग्रह की वजह से देखा जाता है। यानी पहले वो लोग ही विदेश जाते हैं जिनका खुद के घर के सुख में कमी होती है, कि जहाँ पर वो पैदा हुए उसका सुख उससे मिला नहीं, इसलिए वो विदेश चला गया। पहले विदेश जाना बुरा माना जाता था, इसलिए इसको खराब कॉम्बिनेशन कहते हैं। आज के समय में देखें तो लोग इसको चाहते हैं, हर क्लाइंट का सवाल हो जाता है, हर जॉब वाले का सवाल हो जाता है कि मैं विदेश कब जाऊंगा, मेरी विदेश में नौकरी कब लगेगी। तो ये सब चीज़ें राहु से हमें देखी जाती है। पैतृक संपत्ति भी फोर्थ हाउस से हम देखते हैं, क्योंकि चौथा घर प्रॉपर्टी का है, दूसरा घर
कुटुंब का है और अष्टम भाव पैतृक संपत्ति का है। यदि राहु आपके फोर्थ हाउस में स्वस्थ है, मजबूत है, आपके दूसरे घर का और आठवें घर का मालिक भी स्वस्थ है, तो अवश्य ही आपको जीवन में अपनी संपत्ति भी मिलती है। चल अचल संपत्ति अपने बल पे भी बनाते हैं, परिवार से भी चल अचल संपत्ति मिलती है। और बहुत बार अगर राहु का कनेक्शन किसी भी तरीके से 11वें घर, जिसको हम वृद्धि का भाव बोलते हैं, उससे भी हो जाता है, तो भी हम कह सकते हैं कि भी ऐसा व्यक्ति घर की, परिवार की प्रॉपर्टी को बढ़ाने वाला होता है। ये भी हमें फोर्थ हाउस से देखा है। जनता का घर चौथा घर है। तो मैंने अभी शुरू में भी कहा था कि जनरल हैप्पीनेस, इसलिए मैं इसको जोड़ता हूँ, कौन अपना कौन पराया। राहु अगर आपके फोर्थ हाउस में मेलेफिक्स है, तो आप समझ जाइए कि जो भी व्यक्ति विशेष आपसे मिल रहा है वो मतलबी ही है। वो आपके लिए कहिए मतलब का यार है ये, तो जब मिलता है मतलब के लिए, जो भी आपके पास आ रहा है सब मतलब ही आ रहे हैं। आप उनके लिए कोई ना कोई काम कर रहे हैं, आप वो अपना मतलब निकाल रहे हैं और चले जा रहे हैं कि राहु आपका मैलेफिक्स है, राहु की दशा आ गई। आपने सोचा कि मैंने उसके लिए उस समय पर बहुत काम किया था, मैंने उसका बहुत उद्धार किया था, मैं उसके बुरे समय में काम आया था, लेकिन जब आपका बुरा समय आएगा तब आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली वो आपका साथ ही नहीं देने को तैयार। वो कोई ना कोई बहाना बना देगा कि भाई जब मेरा बुरा समय था, अब मैं आपका बुरा समय था, मैंने हेल्प की, मेरा बुरा समय आ गया, अब आप हेल्प करो, वो हेल्प नहीं करेगा। यहीं से पता लग जाएगा कि आपका कौन अपना है और कौन पराया है। ये भी हमें फोर्थ हाउस से ही देखा जाता है। चौथा घर को मैंने मन की स्थिति को लिए हमेशा कहा है, क्योंकि ये नेचुरल चंद्रमा की राशि है। जिनके चौथे घर में राहु पीड़ित होता है, पहली बात, माता के साथ संबंध नहीं अच्छे होते, घर के सुख में कमी होती है, जीवन में बहुत बार मकान बदले जाते हैं, प्रॉपर्टी ली जाए तो बेची चली जाती है, और साथ ही साथ मन के अंदर अशांति रहती है, घर के अंदर वातावरण खराब रहता है। और राहु अगर फोर्थ हाउस में बली है, मजबूत है, राहु जिसकी राशि में है वो केंद्र या त्रिकोण में उच्च का है, मित्र की राशि में है, राहु पे शुभ प्रभाव ज़्यादा है, तो क्या हुआ, चौथे घर से संबंधित सारे फल मिलेंगे, लग्जरी मिलेगी, अच्छा मकान मिलेगा, अच्छे भवन मिलेंगे, तीन चार मकानों की प्रॉपर्टी के मालिक होंगे, उसके पास प्रॉपर्टी भी होगी, उसके पास प्लेन लैंड भी होगी, उसके पास मकान भी होंगे, उसके पास लग्जरी भी होगी, सुख साधन भी होंगे, अच्छे घर पे रहेगा, अच्छे ऐशो आराम के अंदर रहेगा, राजनीतिक कांटेक्ट भी उसके बहुत अच्छे रहते हैं। तो ये मैंने आज आपको बताया कि अगर आपका राहु फोर्थ हाउस में है, तो आप उसको चेक करिए कि भाई राहु की अंतरदशा आने वाली है आपको, या राहु की महादशा आपको आने वाली है, तो राहु मेरे फोर्थ हाउस में कैसा है, और कैसा है तो आप उसको समझिए कि भाई अच्छा है तो कोई ठीक बात है, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, और ख़राब है तो उसके लिए क्या प्रिकॉशंस लेने हैं आप खुद देख सकते हैं, नहीं तो किसी एस्ट्रोलॉजर से मिलिए, उसको बताइए कि मेरे फोर्थ हाउस में राहु है, उसकी दशा आने वाली है, अब मैं क्या करूँ और वो मेरे लिए कैसा रहेगा। तो ये था नेचुरल तौर पर फोर्थ हाउस में राहु सभी स्थितियों में आपको कैसा फल दे सकता है। जय श्री राम।